हेलो बच्चों, नमस्कार। आज से हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्यू एंड ए सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसमें मैंने आपको बोला ही था आप लोग जो क्वेश्चंस भेजेंगे मुझे मेरे इंस्टा पर या जो डाउटनट के ऐप पर जो ग्रुप्स बने हुए हैं वहां पर भेजेंगे, है ना, या टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पर भेजेंगे, तो डेफिनेटली मैं उन क्वेश्चंस को पिक करूंगा जो मुझे लगते हैं हाँ इंपॉर्टेंट है बताना, वो मैं आपको बताऊंगा और उनके आंसर्स आपको दूंगा। तो आज का जो क्वेश्चन जो है जो भेजा था एक बच्चे ने जिसका नाम है मनीष 350 भैया ने प्रश्न भेजा कि सर एक फोटो भेजी थी उन्होंने और ये बोला कि सर जी ये क्वेश्चन कैसे होगा, होगा की जगह हाईगा कर दिया उन्होंने, चलो कोई बात नहीं, है ना। सो ये प्रश्न जो था उसमें उन्होंने फोटो भेजी। अब सर फोटो में क्या लिखा हुआ था, मैंने फोटो पर क्लिक किया, फोटो बड़ी हो गई इस तरीके से ये फोटो आई थी, है क्या एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी में भैया ने पूछा कि सर ये जो F2 पीढ़ी जो होती है, मिंडल का आपने क्रॉस किया होगा, F2 पीढ़ी जो द्विसंकर क्रॉस जो कराया था उसकी F2 पीढ़ी का क्या पता करना था, जीनोटाइप अनुपात पता करना था, जीनोटाइप। अब कैसे पता करते हैं, देखिए बहुत सीधा, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए यही करते हम, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस करते हैं, करने के बाद हमें ये 16 संतति मिलती है F2 पीढ़ी में, यही करते हैं ना। अब इसमें हम लोगों ने फीनोटाइप अनुपात तो निकाल लिया, क्या कि ये जो 9 जो है वो कैसे आएंगे, पीले और गोल आए थे, है ना। एक कैसा आया था, झुर्रीदार और हरा आया था। 2 नए लक्षण आए थे, पुनर्योजन लक्षण कहला रहे थे। ये तो होता है हमारा फीनोटाइप अनुपात। फीनोटाइप अनुपात यानी जो लक्षण अनुपात होते हैं, जो बाहर से लक्षण जो दिखाई देते हैं, वो हमें मिला था 9:3:3:1, डन, है ना। प्रश्न में पूछा सर ये जीनोटाइप अनुपात कैसे निकालेंगे, तो बहुत सीधा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, उल्टा पढ़ लीजिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर, है ना। यहां पर इन 16 संततियों में कितनी बार दिखाई दे रहे हैं, मात्र एक बार, ये जीनोटाइप ही तो है। अरे ये क्या है सर, ये जीनोटाइप ही तो है, कैपिटल वाई कैपिटल आर क्या है, जीनोटाइप है। कितनी बार दिखाई दिया, हमें केवल एक बार दिखाई दिया यहां पर। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी बार दिखाई दिए, देखिए 2 बार दिखाई दिए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कितनी बार दिखाई दिए, एक बार यहां 2 बार लिखते जाइए, 2 बार दिखाई दिए। फिर उसके बाद देखिए ये सीधा का सीधा, कैपिटल वाई स्मॉल आर कितनी बार दिखाई दिए, 4 बार। ऐसे हर एक को आप कैलकुलेट करते जाइए, आपका अनुपात निकलेगा 1:2:4, 1:2:1:2:1। याद नहीं रखना है, रटना नहीं है, बस इस तरीके से जीनोटाइप अनुपात निकाला जाता है कि एक जीनोटाइप को कंपेयर करो यहां पर कितनी बार है, जितनी बार दिखे उसके नीचे 1 रख दो, 2 रख दो, जितनी बार भी दिखे। सो इस तरीके से जीनोटाइप अनुपात निकाला जाता है मेरे भाई। सो आई होप मनीष 350 आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। ऐसे इसी तरीके के रोज आपको वीडियोस मिलेंगे जहां पर हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। धन्यवाद।